नमस्कार दोस्तों, आज है 8 मार्च और 8 मार्च की हम करंट कवर करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल KDM ऑनलाइन क्लासेज में। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दीपक कुमार मीणा, पॉइंट्समैन, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत में देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया, यानी जन औषधि दिवस। देख लीजिए दोस्तों, जन औषधि दिवस विल बी सेलिब्रेट इन इंडिया ऑन 7 मार्च, यानी 7 मार्च को जल औषधि दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 94 कलाकारों को, यानी 94 कलाकारों को द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलाकारों को वर्ष 22-23 यानी 22-23 के लिए, वर्ष 22-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 94 कलाकारों को सम्मानित किया गया। देख लीजिए दोस्तों, 94 आर्टिस्ट विल बी होनेस्ट विद द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ऑफ द ईयर 22-23 बाई प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू द्वारा। आगे देखिएगा दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, यानी जल शक्ति मंत्रालय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय हैज सिग्नेचर इन MOU विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो योजना का उद्घाटन किया। अंडर वाटर मेट्रो योजना राजधानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इंग्रेजिस्ट इंडियन फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केरल राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया। अब देखिए, इंडियन फर्स्ट गवर्नमेंट ओनर्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने, केरल ने, विल बी लॉन्च्ड द केरला स्टेट गवर्नमेंट, यानी केरल स्टेट ने सी स्पेस लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए, असम की राजधानी गुवाहाटी में पहली बार, यानी गुवाहाटी में पहले भारतीय, असम की राजधानी गुवाहाटी में पहले भारतीय वाइलर एक्सपो 2024 की शुरुआत हुई। अब देखिए, द फर्स्ट इंडियन विल बोलियर एक्सपो, यानी बोलियर एक्सपो 2024 हैज स्टार्ट इन गुवाहाटी द कैपिटल ऑफ आसाम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेवल वॉर कॉलेज एनडब्ल्यूसी गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह ने हैज इंजुगेट द चोल भवन इट नेवल वॉर कॉलेज गोवा में इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 21 मार्च से दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष, यानी राष्ट्रीय 21 मार्च से दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ए टू डे नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस विल बी ओरिजिन इन दिल्ली फ्रॉम 21 मार्च। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, के ई पाइनियोर अरुणाचल प्रदेश का राज्य 26वां जिला बना, यानी अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया दोस्तों। के ई पाइनियोर अरुणाचल प्रदेश राज्य का 26वां जिला बन गया। देखिए, के ई पाइनियोर हैज बिकम द 26 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुक्कू सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, यानी हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुक्कू सम्मान निधि योजना शुरू की गई। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुक्कू सम्मान निधि योजना हैज बिन स्टार्ट हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला शुरू हुआ, यानी 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कर्नाटक की राजधानी। द थर्ड थ्री डे नेशनल हॉर्टिकल्चर फायर हैज द स्टार्ट
इन बेंगलोर द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, यानी झारखंड राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की। देख लीजिए, रिसेंटली झारखंड स्टेट गवर्नमेंट विल बी द लॉन्च विधवा रीमैरिज प्रमोटेड स्कीम। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, LIC के पूर्व चेयरमैन MR कुमार को बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फार्मर LIC चेयरमैन MR कुमार हैज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मशहूर अभिनेत्री नयनतारा को स्माइल्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, यानी स्लाइस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा को नियुक्त किया। फेमस एक्टर नयनतारा हैज बिन मेड इट इज न्यू ब्रांड एम्बेसडर स्लाइस। अगला क्वेश्चन देखिए दो, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर शहबाज नदीम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। रिसेंटली इंडियन क्रिकेटर शहबाज नदीम हैज अनाउंस्ड ही रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑल फॉर्म द क्रिकेट, यानी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। तो दोस्तों, ये आज की हमारी करंट 8 मार्च की थी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है KDM ऑनलाइन क्लासेस KDM 19, उसको भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा।